अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मोबाइल्स पर खुश आमदेद। दोस्तों, टेक्नो का न्यू मॉडल आ गया है, पॉप सीरीज़ जो लोग ख़रीदते हैं। तो इस दफ़ा पॉप सीरीज़ आपको 4G की सपोर्ट के साथ मिल रही है। वैसे ये आपको 3G में मिलता था, इसके ऊपर उन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया है और यूनाइटेड मोबाइल ने इनको वारंटी दी है। और लेकिन इस दफ़ा 4G चूँकि इसमें आ गया है तो इसकी प्राइस भी पहले से ज़्यादा है। पाकिस्तान में अब ये 13,000 रुपये का है। तो अब पॉप 4 LTE। अच्छा, जल्दी जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। 13,000 का ये फ़ोन है, लेकिन उससे पहले आपको इसकी हाइलाइट्स जो हैं वो बता दें। इसमें 6.52 इंच डॉट नॉच डिस्प्ले है। 4G LTE ही टेक्नोलॉजी के बाद इसमें 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और फेस अनलॉक इसमें रखा गया। और सबसे बड़ी बात, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मौजूद है। तो उसके बाद, अच्छा, इसमें कलर कौन सा है जी? ये है जी स्लेट ग्रे, स्लेट ग्रे कलर है। तो चलें जी, वीडियो को हम लोग आपके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। आपको, हमारी कोशिश होती है कि अनबॉक्सिंग की वीडियो के दौरान आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया ना किया जाए, टू द पॉइंट बात कीजिए। हाँ, कुछ स्पेशल मॉडल्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें लोगों की डिमांड होती है कि इसकी तफसील बताई जाए, तो हम थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो अच्छा जी, अच्छा जी, इसको अब हम इसमें से बाहर निकालते हैं। आज की वीडियो के लिए भी हमें स्पॉन्सर किया है गुलिस्तान मोबाइल सेंटर, गुरु बाजार ननकाना साहब, भाई मुजाहिद जावेद, जो के ऑथराइज डीलर हैं इन तमाम मोबाइल्स के। अच्छा, ये बहुत वजनी फ़ोन है। इसमें दोबारा देखते हैं बैटरी कितनी थी। अच्छा, बैटरी तो 5000 है लेकिन फ़ोन बहुत वज़नी है। चलें देखते हैं क्या वजह है। बड़ा वज़नी फ़ोन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पावर बैंक उठाया हुआ है। बहुत ज़्यादा, यकीन करें आप इसका, मुझे तो इसका वज़न लग रहा है। अच्छा, ये स्लेट ग्रे कलर है। आपने इसी तरह का कलर देखा होगा या आप वीडियो में देख लीजिएगा हमारी कोई, जो इनका Spark 7 आया ना, उसमें भी इसी तरह से शेड जो है ना, लाइंस की शक्ल में एक डिज़ाइन सा बना हुआ है। वो मैग्नेट ब्लैक था, ये स्लेट ग्रे है। अच्छा जी, आ जाते हैं इसके कैमरा पैनल की तरफ। और पीछे इसके जो मेरे पास मालूम आता है Poco 4 LTE में, अच्छा LTE उन्होंने बार बार मेंशन किया क्योंकि अब लोग पॉप सीरीज़ ख़रीदते वक्त उसको 3G ही समझते हैं, उनको यकीन नहीं आता कि ये 4G होगा। आप देखें इसके बैक पे जो कैमरा पैनल है, 5 MP का इसके पीछे कैमरा है और इसके पीछे ही आपको ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी नज़र आ रहा है। अच्छा, फ्रंट पे इसके 8 MP का कैमरा लगाया गया है। और उसके बाद ये काफ़ी बड़े साइज़ में और बहुत वज़नी फ़ोन है। राइट साइड पे आप देखें तो इसमें पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर लगाया गया है और लेफ्ट साइड पे इसके कुछ नहीं है। नीचे इसके अगर आप देखें तो माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, माइक और 3.5 M का ऑडियो जैक है। ऊपर देखें तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर आपको सिम इंजेक्शन के लिए कोई ट्रे, कोई स्लॉट नज़र नहीं आ रही तो फिर आप समझ जाएं कि ये फ़ोन खुलता है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर ये, यह देखें, आपने पहले ढूंढना है कि इसमें इसको खोलने के लिए जगह ये बनी हुई है, तो इसको हम खोलते हैं। इसकी बैक रिमूव होगी, जैसा कि आप देखते हैं कि अक्सर पॉप सीरीज़ के फ़ोन जो पिछले भी हैं उनमें भी इनकी बैक जो है ना, उसको उतारना पड़ता है। अच्छा जी, ये है जी बैटरी, आप देख रहे हैं 5000 mAh की काफ़ी बड़ी सारी बैटरी है। और अगर हम इस साइड पे आकर देखते हैं तो इसमें आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट ये है और ये SIM 1 की स्लॉट है। और अगर हम इधर आएंगे तो ये SIM 2 की स्लॉट है, यानी कि इसमें SIM 1, SIM 2 और मेमोरी कार्ड एट अ टाइम इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। लेकिन मेरा हल, जाते जाते आपको ना इसमें एक्सेसरीज भी दिखा दूं ताकि वीडियो मुकम्मल हो जाए। अनबॉक्सिंग तो अनबॉक्सिंग ही है, तो इसको मुकम्मल ही आपको दिखाना चाहिए। बिल्कुल Spark 7 की तरह इसमें भी हार्ड सिलिकॉन का एक बड़ा ही लाइट वेट सा, बारीक सा जो है ना, इसमें एक केस दिया गया है। उसके बाद वही चीज़ें हैं जो आप देख लें, चार्जर, हैंड फ्री और ये USB 2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। तो
तो ये इनका बड़ा फ़ायदा है कि आपको इस रेंज में ये तमाम चीज़ें फराहम कर देते हैं, और इनके मोबाइल के ऊपर पहले भी जो है ना सब कुछ है मौजूद, तो आपको बाज़ार से जाके तलाश नहीं करनी पड़ती। वरना अक्सर मैं देखता हूँ लोग मोबाइल डब्बा पैक ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर उसके कवर की प्रोटेक्टर की तलाश में निकलते हैं, और नए मॉडल्स में उनको ये प्रॉब्लम आती है कि लोग उनको कहते हैं भाई अभी तो इसका जो है ना कवर या इसका गिलास मार्केट में आया ही नहीं है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जनाब अनबॉक्सिंग की, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। फिर किसी नए मॉडल के साथ शाहजी मोबाइल्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।